इतना हमने काम किया और करते रहे, इतना हम रोगनाभि से दूर 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 जाते हैं और महामारी फैलती जा रही है। हम सब जानते हैं, आज से 50-100 साल पहले देख लो कितने रोग थे, कैसे रोग थे, कितने हॉस्पिटल थे, कितने डॉक्टर्स थे, दवाइयों के पीछे कितना खर्च होता था। सब कुछ हमारे पास डेटा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, गूगल दे देगा। हाँ, सब कुछ गूगल पे पड़ा, आपको जो चाहे मांगो। ऐसा नहीं सही जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब मिलेगा। हाँ, गलत भी मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो जो भी ढूंढना गूगल देगा, एक गूगल के पास नहीं। हाँ, बाकी सबका जवाब देगा गूगल, एक नहीं है। क्या? स्वयं को ढूंढना, वो गूगल के पास नहीं, वो केवल हम, केवल हमारे पास। इसकी बात आगे आगे करेंगे। सबसे पहले तो हम रोग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहला सुख निरोगी काया, पहले काया को निरोग कर ले, आगे की बात देखी जाएगी बाद में। तो अब गालिब से भी हमने सीख लिया, दिशा से भी सीख लिया कि जब तक गलत दिशा में दौड़ते रहेंगे कितना दूर जाएंगे, कभी हमारी जो मंजिल है वहां नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दूर जाएंगे। दूसरा है सोच बदलना। आज तक जो हमने काम किया वो कैसे रोगों को हटाए, भगाए, मार डाले, इस पे काम किया, जोर दिया, करप इस भी किया, जो भी प्रतिक्रिया की जितनी भी आई, लेकिन सोच क्या है, रोगों को कैसे हटाए, हटाए, भगाए, कैसे, जिसको हम कहते हैं हाउ। डब्ल्यू हाउ, हाउ से ही शायद WHO आया। WHO ने यही किया है, हाउ हाउ और हाउ फैलाया। आप देख लो कोरोना के वक्त में WHO ने क्या काम किया, आज वही डराया, डराया। एक भी काम WHO ने जो रोग नाबूद हो सके, कम हो सके, कुछ नहीं किया, बस डराया, डराया, आज भी डरा रहा। इसका काम ही है डराना। WHO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी एक वैश्विक संस्था कि जो वर्ल्ड वाइड विश्व के स्तर के लोगों को हेल्थ प्रदान करे, इसका ख्याल रखे, ऐसी एक वैश्विक संस्था। लेकिन आप हम देख सकते हैं कि एक भी काम WHO ने ऐसा नहीं किया कि जिससे रोग तनिक भी कम हो सके। WHO का काम एक ही रहा, डराओ, धमकाओ, मारो। इसलिए मैं WHO को कहता हूँ, WHO का नाम मेरे हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, HELL, नॉट HELP। हाँ, जो हेल्थ का निर्माण करे, नर्क का निर्माण करे, ऐसा काम के संस्था करते हैं। हाँ, लेकिन इसके पीछे भी हमें जाना नहीं। तो अब हाउ देखते हैं कि रोग हमारे हटे क्यों नहीं, क्योंकि हमने गलत दिशा में काम किया, हमारी सोच गलत रही, वो है हाउ।
यदि शोध हमारी बेटी वाई डब्ल्यू एच वाई वाई क्यों, तो आप देखेंगे क्यों क्यों रिजल्ट मिलेगा। एक एक एग्जांपल काफी है, छोटा ऐसे हजारों एग्जांपल ले सकते हैं, लाखों करोड़ों एग्जांपल ले सकते हैं। मालूम नहीं कि कभी काल का प्रभाव होगा, कि हमारे मन में ऐसी कोई सोच ही नहीं होती, बस एक ही दिशा में गलत दिशा में दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। तो छोटा सा हिस्सा और घर घर का हर किसी को मालूम, दूध का बर्तन गैस पे रखना आग पे रखना क्या होगा, दूध ने अपने खाली गरम करवा उफाणो आवे तो चालू रहे बतू रहे बाकी थोड़ू घणू कड़िए बचे बढ़ी जाए तपेली नहीं मारवा मेरा को। तो शू करव जो अपने शू करिए सामान्य जो हमें आम बहुत सादो दाखलो है अपने बदा समझी गए पर आखी दुनिया में जितनी भी समस्या थी तमाम समस्या समाधान आ एक सादा दाखला में साव सादो दाखला नाम छोकरू समझी सके। दूध ने अपने आग ऊपर मूक्यू એટલે ઉકાણો આવ્યો, આપણે શું કર્યું બેનોને ખાસ ખબર છે ખરેખર શું કરો બેનો જો બે રસ્તા છે બે કરતા હોય ત્યાં આપણને ખબર છે પણ અહીંયા નથી ખબર એને આપણે કમ્પેર કરો। હવે જો એના સોલ્યુશન આપણે વિચારીએ દૂધને ઉફાણો આવી તરત આપણે આપણા પાપર થઈને આપણી જાતને આપણે સવાલ કરીએ હા ઉફાણો આવી ગયો અને કેમ શાંત કરો કે હા કેમ શાંત કરી દો એટલે હું કરશો પાણીનું બરાબર કરો કે નહીં તો એ તો કોઈ જવાબ દીધો નહીં આપણને ખબર છે કે ગરમ થયું એટલે ઉભાણ એને ઠંડુ પાડી ગયું ખોટું નથી રિઝલ્ટ કઈ તરત મળે પણ જ્યાં સુધી કેસ ચાલુ છે ત્યાં સુધી ઉભાણો ફરી આવશે આવ્યા જ કરશે આવ્યા જ કરશે અને આપણે પાણી નાખ્યા જ કરીએ નાખ્યા જ કરીએ નાખ્યા જ કરીએ તો શું થશે પરિણામ શું આવશે આપણો સમય બગડશે આપણી શક્તિ બગડશે।